व्हाट्सअप तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे हो गए एंड सेफ हो गए। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है December 6, 2020 और आज मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड में अपने दोस्तों के साथ, यस अपने राइडर फ्रेंड्स के साथ। बहुत टाइम हो चुका था यार, अजीब सा लग रहा था कि यार एक भी राइड नहीं हो गया इतने दिनों से। तो मैंने देखा कि ग्रुप पे कुछ मैसेज आए हुए थे कि यार 6 दिसंबर की राइड है ये है और हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी जगह क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं पहुंच जाऊं क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं और जतिन भैया का कॉल आ चुका है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं और यहां से सीधा पहुंचते हैं लोकेशन पे जो अपना फर्स्ट मीटअप पॉइंट है जो कि है एम्बियंस मॉल। तो पहले पहुंचते हैं एम्बियंस मॉल, देन फिर आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने लोग हैं हमारे साथ। और तो बाकी बातें करेंगे हम पहुँच के, फिलहाल मज़े लो आप मेरी राइडिंग के। तो शुरू करते हैं। एम्बियंस मॉल के पास एंड फॉग और स्मॉग ये दोनों ही हो रही है यहाँ पे और हमारे भाई लोग रुके हैं यहाँ पे। ये देखिए तो इधर हैं ये लोग। सो यहाँ पे जतिन भैया दिख चुके हैं, आज छोटा वाला कैमरा यूज करेंगे। कैसे हो भाई? श्रीनगर घूम के आ रहा है। कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वरुण रेट में तू है ना? नहीं, और जेपी सर और चिरू, चिरू को रूट पता है। आप क्यों नहीं हो? तुम्हें भी तो होना चाहिए, तुम्हें भी तो होना चाहिए लीड पे। कुछ नहीं हुआ। तू कौन है भाई साहब? कहाँ से आ गए? इसे इन्हें नाम डाला, बिना कुछ डाला भाई, हम बिना नाम के आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है और क्या। बोलो चैनल सब्सक्राइब करो भाई का, लाइक शेयर बोल, खुद भी बोल लो। ओके तो अभी चल रही है ब्रीफिंग एंड हम लोग जा रहे हैं डेल्टा 105। यस हम सब लोग। सो काफ़ी सारे राइडर्स हैं, काफ़ी सारी बाइक्स हैं अपने बीच में। इसने नया मतलब मैंने करी है ना राइड, एक दो मैंने भी नहीं करी। वो बस ध्यान ये रखना है कि जो लीड कर रहा है उसको क्रॉस नहीं करना। टेल हमारे साथ होगी। जन्मदिन की बहुत मन मुबारक। बढ़िया भाई बढ़िया। सामने वाला 40 तो पीछे 40, वो 20 तो पीछे 20। ओवरटेक नहीं करना है और यहाँ नहीं करना। इसको चप में कुछ लोग और हमारे खड़े हुए हैं, तो इसको चप में थोड़ा स्लो होंगे, वो ज्वाइन करेंगे शायद कुछ गाड़ियों से होंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। चलो राइट सेफ। Change the world.
की खबर डेल्टा 105, यानी यहाँ से लेंगे हम लोग राइट। ऑलराइट, तो ये है ना कोई मज़ेदार जगह। ओ मिस, डेल्टा 105 के लिए ये रास्ता जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस बनाया हुआ है यार, खेतों के बीच में एकदम। ये देखो यार, हम मज़ेदार है और बढ़िया रोड है, ऐसा भी नहीं कि ख़राब है। यहाँ पूरे में खेत ही खेत है मेरे लेफ्ट में, तो लाइट में भी है बट कम है, बट लेफ्ट में तो पूरे में है। और यहाँ छोटा सा पिक फार्म, और मेरे राइट में है डेल्टा 105। आप देख सकते हो डेल्टा 105। आ चुका हूँ मैं कैमरा के सामने काफ़ी देर बाद, बिकॉज सुबह हो गई थी लेट, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा निकाला नहीं था, तो अब निकाल चुका हूँ एंड पहुँच चुका हूँ डेल्टा 105। वो है टिकट काउंटर, तो वहाँ पे लग रहा है बैंड। अब आपको थोड़ा सा टूर देंगे हम यहाँ पे। तो फिलहाल जतिन भैया एकदम फुल। ओए होए, ये मूछे कहाँ से आ गई? ये तो मूछे ऊँचे एकदम बढ़िया से करवा के आए हो, कब करी? वो भी करी बस। तो नया लुक जतिन भैया का, जतिन भैया लास्ट ब्लॉग में दिखे थे, कौन से ब्लॉग में दिखे थे? जब खाना नहीं मिला था, जब खाना नहीं मिला था वही मिले थे डी वाले में। हाँ, और उसके बाद आज मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि इसकी एंट्रेंस पे और क्या क्या है। तो काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है, तो गाड़ी से आते हो आप, काफ़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पे। एंड यहाँ पे खड़ी है एक जी, देखो ये ऐसे है। यह कैंप तकरीबन 26 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 20 एकड़ में इस कैंप को बनाया है और 6 एकड़ में व्हीकल पार्किंग बनाया हुआ है। हमारे इस कैंप का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ आम लोगों को फौजी तौर तरीके और फौजी डिसिप्लिन से अवगत कराना, आम लोगों को फिजिकल फिट रहने में और स्वस्थ रहने में मदद करना, और सबसे इम्पोर्टेंट यंग लड़के लड़कियों को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट करना है। तो अभी ब्रीफिंग हो चुकी है हमारी एंड काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बेसिकली मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, तो ये जो कैंप है एक आर्मी थीम के बेस्ड पे ये कैंप बनाया गया है। एंड वही सब ब्रीफ में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। सो यहाँ कैंप्स भी हैं और यहाँ पर नाइट स्टे के लिए कैंप्स भी बने हुए हैं, जो कि ऑनलाइन बुक होते हैं, यहाँ पे आके आई थिंक नहीं होते। मुझे अच्छी लग रही है जतिन भाई, थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं मेस में खाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये है कि पहले ये लोग हमें ब्रेकफास्ट देंगे, देन उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। मेस में आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट में हमारे पास है अवेलेबल आलू पूड़ी सैंडविच एंड पोहा और कुछ चटनी। सो इधर लाइन लगी हुई है, पोहा लिया जा रहा है। काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज और बाहर सिटिंग पोजीशन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, क्लीन है। ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी हम निकले हैं थोड़ा सा टहलने, बेसिकली चेक करने जा रहे हैं कि कहाँ हमें जाना है। तो इधर काफ़ी अच्छे तरीके से बंकर्स बने हुए हैं, पूरा ऐसे बॉर्डर टाइप बनाया हुआ है, एक तरफ इंडिया एंड दूसरी तरफ अच्छा ये तो खोद के भी रखते पाकिस्तान है। खोद के भी रखते हैं आगे। हाँ, एलओसी टाइप है। सो
ये है नो मैंस लैंड और यहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं, यहाँ लिखा भी है। मैं जाके फायरिंग करता हूँ। हाँ जाओ, थ्री मैन फायर ट्रेंस, तीन लोग ही रख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ, लाइक एक इधर से, एक आपके पास और एक इधर से बस। वो कहता नहीं जाओ उजागर सिंह MMG संभालो। तो यहाँ पे ये है, काफी मतलब काफी बड़ा है ये, मेरे को नहीं लगता हम एक दिन में एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे से, है ना जतिन भैया? हाँ, एक दो घंटे में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन लगेगा अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है। अब देखो यहाँ पे ये, और ये सारा है, जितना भी सामान है ना ये सारा मिलिट्री का ही है। हाँ। ये जितना भी पुराना जाता है, खराब हो जाता है तो वो लोग फेंक देते हैं या कहीं, तो आप देख सकते हो पूरा पुराना है और ये पूरे यूनिट के नाम लिखे हुए हैं। हाँ। और ये इन सब पे डब्बे पे पूरा नाम वाम लिखा हुआ है, ये देखो एमओ के बॉक्सेस और ये जेरी कैंस, इसमें डीजल और पानी भी रखते हैं ये लोग, ज्यादातर ट्रक्स। हाँ, ट्रक्स के लिए, लेकिन उस टाइम पानी भी तो चाहिए होता है, ये कमांडो पोस्ट के लिए। और इधर हमारे रतन भैया हेलमेट डालते हुए, ये फौजी लग रहा है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ओहो, बाइनोकुलर भी है भैया, सब है। इधर देखो ना, ये कंपास है और चल भी रहे। भारी है भाई, ये कोई नॉर्मल हेलमेट नहीं है, आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत हल्का सा होगा, ऐसी रियल का हेलमेट है और ये सच में लेवल 2 हेलमेट है। हम पबजी में खेलते थे, ये वही है, सच में बहुत हैवी है, ठोस है भाई, बहुत ज़्यादा। गोली पड़ेगी तो नहीं जाएगी अंदर। लेट्स सी कैसे है ये। ओए होए भाई साहब, और ये कंपास भी काम करता है या बंकर के अंदर। और जतन भी क्या कर रहा है साले, हेड ऑफिस फोन कर। हेलो हेलो हेलो, डेल्टा 12 अल्फा। इधर 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 स्कोप भी है क्या? डेल्टा 12 अल्फा 1। हां जी ठीक है, ओवर एंड आउट। और यहां पे पूरा ये रेडियो, ये सारा ही रेडियो सेट है, पूरा खराब होगा आई थिंक, तभी यहां पे रखा गया है। और उधर इसमें सामान जिसमें लेके जाते हैं इनका कप, और उधर वॉकी टॉकी पूरा, और यहाँ से एक रास्ता है। पीओ के में फेंको, मैं लाके देता हूँ। क्या चले? ये देखो नेड फेंके जाएंगे यहाँ पे से। वो कहाँ फेंक दिया? वहाँ फेंक दिया। चलो चलो, ये रिनो के नेड ये फेंकेंगे ऐसे। मेरे पास मत फेंक देना वापस, कहीं पता लगे पीछे ही आ रहा तेरे वाला भारी गणा था। तो अब हम चढ़ने जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, और उधर से उतरेंगे। तो जतिन भैया हमारे अच्छे DOP हैं, तो चलो लेट्स गो, कम ऑन। आ तेरी जा, नीचे जाने का मन नहीं हो रहा। क्या मैं ऊपर ही ठीक हूँ? ऊपर ही मैं ठीक हूँ। ऊपर जाते हुए तो सही लगता है, नीचे आते हुए ना थोड़ी सी फट्टी है, ज़्यादा नहीं, एक दो बार करेंगे तो गर्मी आ जाएगी। तो जतिन भैया ट्राई करेंगे, जाओ ना बैग दो, गो। आई थिंक ये उतरने का है पता है, बट हम चढ़ रहे हैं। अब इधर से चढ़ता, उधर से उतरेंगे, दोनों चलें। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आराम से। तो जतिन भी अभी नीचे उतर चुके हैं, कैसा लगा? चलो चाइना। आओ इधर चलते हैं, अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तू जा। 3, 2, 1 गो। और ये चढ़ गया अब। आराम से। आए। तो काफ़ी मज़ा आया ये करके, और आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब अगली करेंगे, और अब नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी। आराम से कर।
भाई दो दिन यहाँ रुक जाओ और तीसरे दिन दो दिन अच्छा खासा वेट कम हो जाएगा। हमने मुश्किल पड़ाव पहले पार करे क्या बात है क्या बात है, बैलेंस है बैलेंस है। यहाँ से जंप है लो बढ़िया बढ़िया बैलेंस। बहुत सही बहुत सही। क्या कह रहे हो नहीं पाएगा। मैं भी वहीं गया गया था। भी इसमें अलाउड नहीं है। वेरी गुड। ओके तो पसीना देख के आपको पता ही चल गया कि हमने थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ कर ली है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए। मैं एक दो घंटे में तो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं है बिकॉज और भी बहुत सारे काम हैं यार जो ख़त्म करने हैं। कभी आएंगे किसी फ्री टाइम पे तब हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। अब हो गया टाइम घर जाने का वापस। सो दैट्स इट गाइस, आज का व्लॉग था यहीं तक। तो क्या करेंगे, हम करेंगे व्लॉग को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ हास्ता ला वीस्ता। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे कमांडो साहब ने बोल दिया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तो ज़रूरी है क्योंकि हमें जो हम वीडियोस डालेंगे वो आपको नेक्स्ट टाइम देखने को अच्छी अच्छी मिलेंगी। और हमने मैंने बता दिया इनको कि हम नेक्स्ट टाइम रुकने का प्लान कर रहे हैं, तब आपको घुमाएंगे अच्छे से। तो अभी हमने जो एक्टिविटी करी हम दोनों ने करी, बाद में पूरा आरईबीसी करेगा। यो और जो नहीं करेगा वो पिटेगा पिटेगा। चलो आज साल बीस साल बाय।